अब हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने। उसकी माँ के लिए भी कर दो पाउज। तुम तो सामने आ जा रही हो, वो बेचारा खा है। इसको भी तो पुदूर पता, ये दोस्त नहीं तो इसका मतलब क्या? नहीं वो भी दोस्त है, पर वो सही में दोस्त नहीं है। ये दोस्त है, ये ले 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 अंदर से। तुम बाउंड्री से बाहर ही रहो क्योंकि तुमको कोई बहुत पीटा है, ठीक है? यही लोग पीटा होगा। चलो हो गया डन। और ये है हमारे बगीचे का, जो मैंने छोटे छोटे पॉट्स में बहुत सारे फ्लावर्स उगाए हुए हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर है जो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आया और पापा लेके आए थे। मेरे को मतलब फ्लावरिंग गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मैं आपको सारे फ्लावर्स को मैं दिखाऊंगी। ये अड़हुल का फूल है जो पिंक कलर का है, जो वाकई में बहुत बड़ा खिला हुआ है और मतलब एक डाली पे एक ही खिलता है, तो छुटकू सा है पर जैसा भी है मेरा है। और ठंडी की मौसम है तो पापा गेंदे के फूल भी लाए थे और एक प्यारा सा गेंदा का फूल भी खिला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और मेरे पास बहुत सारे अड़हुल के फ्लावर्स है। ये है ऑरेंज कलर का, मेरे पास ऑरेंज भी है, पिंक भी है, वाइट भी है, रेड भी है और येल्लो भी है और एक पिंक, इतने सारे टाइप्स के हैं। और फाइनली ये हमारी तुलसी माता है जो बहुत ही घनी हरी भरी है और आई होप ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इसलिए ये बहुत अच्छे से खिली हुई है। एंड फाइनली मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है और मैं अब स्टडी शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा स्टेट का एग्ज़ाम है मार्च में। तो हमने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है, मेरा लैपटॉप HP का है और मैंने बहुत साल पहले ये वीडियोस बनाई थी कि मैंने HP का मतलब कि शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे लैपटॉप लेना था और गणपति पप्पा मोरिया। फाइनली अब चलिए शुरू करते हैं अपने अड्डा से मेरा स्टडी सुनरी। मैं स्टार्टिंग केमिस्ट्री से कर रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन स्टेट में आते हैं और देखते देखते हमारी बोर्ड ख़राब हो गई। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी प्लीज़ बोर्ड बना दो, क्योंकि बोर्ड के ये जो नट थे बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। और दीदी मेरी ऑलराउंडर है, मतलब घर को भी संभाल लेती है, इलेक्ट्रिशियंस भी है, फ़िलहाल एक चीज़ नहीं है वो ब्यूटिशियन, जो कि वो मैं हूँ। और फाइनली दीदू ने ऑर्डर किया है मेरे लिए मैकडी से बर्गर, फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक्स। यस थैंक यू दीदू। पर ये पैसा वो था जो भाभी ने मुझे दिया था जब मैं पुणे से आ रही थी। तो मैंने बस ऑर्डर किया। हाँ दीदी ने बस ऑर्डर किया, अब मम्मा भी बैठी है खाने के लिए। मेरा बर्गर और ये केचप, ये हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ा क्योंकि हमारे घर सॉस नहीं था। और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भूख लग गया है और मेरा जीभ कर रहा है लपालप लपालप लपालप। ये रहा छुटकू सा फ्रेंच फ्राई, दीदी खा रही है फ्रेंच फ्राई। रखो रखो जल्दी रखो, मुझे भी भूख लगी है। कब
बहुत खुश है क्योंकि हम खाने वाले हैं बर्गर। अब इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। मतलब अभी मैंने फटाफट बर्गर खाई, कुछ देर पहले 2 घंटे पहले बज गए थे 7 और मुझे फिर कुछ खाने का मन था तो मम्मी से 2 समोसे मंगवाए थे और आज हम समोसे 4 बना रहे घर पे ही। बहुत ही लाजवाब है, एकदम बहुत ही डिलीशियस है और थोड़ी स्पाइसी खाने की मन थी। तो अब हो गया है टाइम डिनर का और हम लोग बना रहे हैं आलू सहजन की सब्जी और साथ में ब्रोकली का सलाद जो मेरे को भाभी सिखाई थी बॉयल करके। तो चलिए हम आपको बहुत ही सस्ते वे में बताते हैं ब्रोकली की सलाद कैसे बना सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी होता है, हेल्दी फूड है मतलब, और हर लोग को खाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें हम पानी भर लेते हैं और हमने ब्रोकली को छोटे छोटे पीसों में कट लेते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आपको कितने पीसेस में काटने हैं, आपको साइज़ कितना रखना है। तो मैं मीडियम साइज़ रखी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे वे में बॉयल होगा तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा छोटे कर दीजिएगा फिर वो बॉयल होगा तो फिर वो हलवा टाइप में बन जाता है। तो अब चलिए हम लोग अच्छे से काट के और उसे फिर बॉयल के प्रोसेसिंग में चालू करते हैं। और हम बैठा दिए गैस पे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे और थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे। और फाइनली 15 मिनट बाद मेरे देख सकते हो ब्रोकली आराम से बॉईल हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और ब्रोकली को अब हम ठंडे होने के लिए कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने इसमें मिर्च को अच्छे से कूट के डाला है और आप देख सकते हो लहसुन डाली हूँ और आप बहुत चीज़ें डाल सकते हो स्पाइसी के लिए। आप रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, उसके बाद अच्छे से मिला लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और मेरा डिनर तैयार हो गया, अब मैं खा के सो जाऊँगी। अब डेली ब्लॉग्स के लिए कल फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। Últimamente nuestras charlas son comparecencias, un vasito más para la indulgencia.